हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। हम यहाँ पर आए थे बच्चों को कांवड़ दिखाने के लिए, और मोहल्ले में जितनी भी लेडीज़ थी, कुछ लेडीज़ तो नहीं आई थी लेकिन काफ़ी लेडीज़ थी, हम अपना ट्रैक्टर ट्रॉली पर गए थे और सभी लड़कियाँ बच्चे और सभी लेडीज़ गई थे। और बच्चों को जहाँ तक हो सके आपको अपने जो हमारे यहाँ का रीति रिवाज होते हैं वे बच्चों को दिखाने चाहिए। अगर ज़्यादा दूर होते तो बात ही पास में थे, तो हम सब बच्चों को लेकर अपने यहाँ पर झांकियाँ दिखाने गए कांवड़ की। बच्चों को इन चीज़ों को दिखाने से ही तो अपने धर्म के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता है, सही और गलत का पता चलता है। बहुत अच्छी अच्छी कांवड़ निकल रही थी, हालांकि इस रोड से इतनी कांवड़ नहीं आती है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कांवड़ थी। हमने तो कांवड़ में बहुत ही इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगता है जब अपने यहाँ की संस्कृति को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। और काफ़ी भीड़ थी, बहुत ही पब्लिक थी क्योंकि शाम के टाइम वैसे भी सब फ्री ही हो जाते हैं, तो सब अपनी फैमिली के साथ सब कांवड़ देखने के लिए आते हैं। एक दिन हमारे यहाँ से भी सब ने मिलकर मंदिर में से खीर का भंडारा किया था कांवड़ियों के लिए, प्रसाद बांटा था और हमारे बच्चे भी गए थे अपने हाथों से प्रसाद बांटने के लिए, कह रहे थे मम्मी हमें बहुत अच्छा लगा। जिस दिन मंदिर में प्रसाद बटा था बना था भोलों के बांटने के लिए, उस दिन अंश पूरे दिन मंदिर में ही था और बोल रहा था कि मम्मी आज मैंने बहुत काम करवाया मंदिर में। बच्चों को बचपन से ही ऐसी देनी चाहिए अपने धर्म के प्रति कि वह सेवा करें। जितना बच्चे मंदिर में जाते हैं, सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उतना ही बच्चों का हृदय दिल मुलायम रहता है, दयावान रहता है। इससे कहते हैं कि बच्चों को अपने धर्म के प्रति उन्हें हमेशा जागरूक करते रहना चाहिए ताकि वह इधर उधर ना भटके।
यहाँ पर कवर एक ऐसी थी जिसमें वे डांस करती हुई मुँह में से धुआं आग निकाल रही थी। एक बार को तो हम सब डर गए थे, फिर देखा कि नहीं आया तो, क्योंकि काफ़ी दूर थी तो उसने मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर देखा कि हाँ यह तो कर्तव्य कर रही हैं और हाथों में थालियों से भी कर्तव्य कर रही थी। और यहाँ पर हम एकदम से सारे के सारे डर गए थे कि ये सच में कहीं आग तो नहीं लग गई है। यहाँ पर टाटा टोली में कांवड़ आने पर नाश्ता हुआ। बच्चों के अंकल जी कांवड़ लेकर गए थे और मैं भी गया था। हमने उसे बोल दिया था इधर ही आ जाना, इधर ही कन्या जमा लेंगे इकट्ठा। तो शिवरात्रि से अगले दिन हमने कन्या जमाई। हमारे घर में सभी व्रती थे, शिवरात्रि का यहाँ तक भी अंश था, अंश भी व्रती था। मना करने के बावजूद वह फास्ट रखा उसने। कन्याओं को जिमाती जरूर है लेकिन इस दिन इतनी भगदड़ रहती है कन्याओं के लिए और कन्याएं खाना भी अच्छे से नहीं खाती हैं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। 1 घंटा तलवार।